है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर गेट पे, और आज यहां प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से बिहार राज्य भूमि सहकारी बैंक के बहुत सारे स्टाफ मिलने आए हैं। इनका कहना है कि बैंक के अधिकारी बैंक का प्रबंधन इनके साथ पिछले कई सालों से धोखाधड़ी कर रहा है, इनको ना तो वाजिब सैलरी दे रहा है और इसके साथ ही ये बैंक में करप्शन का आरोप भी लगा रहे हैं। और दूसरी ओर महिला कर्मचारियों का कहना है कि जो बैंक प्रबंधन है इन्हें बाथरूम तक मुहैया नहीं करवाता है। आइए हम इन कर्मचारियों से ही जानते हैं कि इनकी क्या शिकायत है। मैडम ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा कुमारी है, मैं मसौढ़ी में अभी पोस्टेड हूँ फील्ड ऑफिसर के रूप में। मेरा कहना है सर कि जो मुख्यालय में जो लेडीज़ लोग बैठी हुई हैं, महिला कर्मचारी सब उन लोग के लिए सारी सुविधा मुहैया है, जबकि हम फील्ड ऑफिसर में जो लेडीज़ लोग हैं उन लोग मेरे लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं। सबसे प्लस पॉइंट पहला बोलना है हमको कि हम जब मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, वहाँ लेटर दिया संस्था को, तो उन्होंने पहले मुझे स्पष्टीकरण मांगा। स्पष्टीकरण का जवाब मैंने बैक डेटिंग से उन्होंने मुझे स्पष्टीकरण मांगा। जब मैंने स्पष्टीकरण का साक्ष्य मांगा, जवाब मांगा उनसे दे करके लेटर में, तो उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमको ये पूछना है कि 5 साल में जो मुख्यालय में बैठी हुई हैं महिला कर्मचारी सब, उन लोगों को कहीं पोस्टेड नहीं हुआ? जब मैंने अपने लिए इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, अपने हक के लिए लड़ी, तो इन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। यही चीज़ पूछना है कि ठीक है, अगर आपके ट्रांसफ़र कर दिए तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि मुख्यालय में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है आपका, 1 साल का फुटेज कैमरा आप अथी कीजिए, और इस संस्था का सारा चीज़ सरकार से हम विनती करते हैं कि इसका उजागर कीजिए, एकदम पूरी तरह से जांच हो पूरी तरह से इसका। जी, हम आपको बताएं कि ये बैंक पहले सरकार के अधीन था, यानी बिहार सरकार के अधीन था, लेकिन बिहार सरकार ने इसे सुपरसीड कर दिया। और कर्मचारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप जब बैंक के स्टाफ बने तो कैसे स्टाफ बने और किस तरह की समस्या आपके सामने साथ आई? ये पहले एडवर्टाइजमेंट में दिए थे पेपर में और ऐसी नेट वगैरह जो आती है उसमें आया था, तो 2016 में 100 फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी आई थी। उसके बाद हम लोग ने फॉर्म फिलअप किया, बहुत बच्चे थे, बहुत बच्चे, मैंने एग्ज़ाम भी दिया, ऑफलाइन एग्ज़ाम हुई थी। पहला एग्ज़ाम PT के रूप में हुई, उसको पास किया हम लोगों ने। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव हुआ, थर्ड फेज में फिर इंटरव्यू होती है, फोर्थ फेज में मेरिट बनती है, उसके बाद हम लोगों की बहाली होती है। उसके बाद ट्रेनिंग में हम लोगों को बताया जाता है कि आपका वेतन 8000 के आसपास है, तो अब ट्रेनिंग में जाने के बाद लड़का को बताया जाता है कि आपका वेतन ये है, तो लड़का सवाल करना शुरू करता है। सवाल शुरू करने के बाद अब लड़का तो यहाँ फंस गया, लड़का फंस जाने के बाद हर तरह से घिर गया कि क्या करे आगे। नहीं, जो वैकेंसी निकली थी उसमें बताया नहीं गया था कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी? नहीं, उसमें वेतनमान दिया गया था 1400 से कुछ, वेतनमान 1400 से 2600 तक ऐसे वेतनमान था। उसके मुताबिक कितने पैसे मिलते हैं आपको, कितने महीने का वेतन मिलता? उस टाइम मिलता था हम लोग को 7954 रुपया। वेतनमान जो दिया गया था एडवर्टीजमेंट में, उसके हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो उस वक्त कितना पैसा आपको मिलता? उसके वेतनमान दिया ही नहीं गया हम लोग को, सिर्फ जो मन में आए, मर्जी जो आए, वो जो दे दिए वो हो गया। कोई रूल कोई कानून नहीं है, पूरी तरह से एक फर्जी बैंक चल रही है बिहार सरकार के अंदर में। सरकार सब कुछ देख रही है, फिर भी जानबूझ के इस बैंक को चला रही है। इसमें बिहार सरकार एक और सृजन घोटाला का इंतजार कर रही है कि सृजन घोटाला जैसा कोई एक और घटना हो उसके बाद हम इस चीज़ को देखेंगे। और इस बैंक में पूरी तरह फर्जी है, एक दुकान है, एक आदमी का दुकान है, विजय कुमार सिंह का दुकान है, और उनका दुकान है, वो चलाएंगे जैसे। उसके बाद कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। राणा रणधीर जी हमारे कोऑपरेटिव मंत्री आते हैं और अनाउंस करते हैं कि आपको 5वां वेतन बांध दिया जाता है। 5वां वेतन बांध दिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है, ये तो पता कर लेते कि 5वां वेतन बांध में दिया क्या जाता है, दे क्या रहे हैं आप लोग। ये बताइए कि ये विजय सिंह कौन है? विजय सिंह हमारे बैंक के चेयरमैन हैं और 2001 से शायद लगातार हैं। जो रूल नहीं है, 5 साल या 10 साल रह सकते हैं। अभी चुनाव होने वाली है, अभी फर्जी तरीके से फिर से चुनाव हो जाएगी कॉपी पे,
अभी 11 को उसका मीटिंग है और उस तारामंडल में मीटिंग रखी गई है और उसमें चुनाव हो जाए और उनकी पत्नी शायद चुनाव लड़ रही हैं। ये लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं लेकिन वहाँ राजतंत्र चलती है, वहाँ राजतंत्र चल रहा है। ये बताइए, आप भी स्टाफ हैं, किस तरह की समस्या आ रही है और क्यों? समस्या है सर, सबसे पहले हमारी कि हमें वेतन मान पे बहाली किया गया और वेतन मान के बाद एक साल तक हमें वेतन दिया गया 7954, एक साल भी पूरा नहीं दिया गया, 8 ही महीने मिला और 8 महीने के बाद फिर ये 5वां वेतन लगा जिसमें हमें 11,033 रुपये का हुआ और 1 साल 1 महीने ये पैसा हम लोग को मिला और अगले महीने क्या निकल जाता है ये प्रबंधन के तरफ से निर्देश कि आपको 50-50 दिया जाएगा, जबकि लोन जो बैंक का है वो तकरीबन 80 के दशक का है, 80 के दशक के बाद का लोन उसमें नहीं है, मतलब नग्न स्थिति में है 1 या 2 और वो 50-50 में क्या निकाल रहे हैं कि आप वसूली करके फील्ड से लाइए, 80 के दशक का सब लोन है, सारा लोन ही मर चुका है, आप पैसा लाने के लिए सोच सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि अगर एक भी लोन अगर आप तोड़ देते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग बहुत अच्छी वसूली अपने तरफ से करते हैं, हम लोग को लगता है कि अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है वसूली और ये वसूली से वेतन जोड़ दिया है 50-50 कि आप ये वेतन का दुगना वसूल के लाइए और आधा हेडक्वार्टर को पूरा हेडक्वार्टर को भेजिए और हेडक्वार्टर आपको आधा पेमेंट करेगा। अब ये बताइए ये वेतन मान है या क्या है? और इसके विपक्ष में हम जब आवाज़ उठाए, हमने ये 11 जगह हमने चिट्ठी लिखी, ये बिहार सरकार के से मुख्य सचिव और सहकारिता सचिव और बैंक प्रबंधन को भी हमने दिया, बैंक प्रबंधन ने किया कि उन 9 में से ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी वो लागू किया जो पहले से वो करते आ रहा है, उसमें से 9 लोग हम लोग थे, 9 लोग में से 6 लोग को वो शोकॉज कर दिया बैकडेट से, वो भी आप देखिएगा बैकडेट जो रिसीव किए हैं शोकॉज देखिएगा वो निकाला है 15 को और हम लोग रिसीव कर रहे हैं अगस्त में, आप उसमें आप देख लीजिएगा वो भी हमारे पास रखा हुआ है। अब बताइए कोई का चिट्ठी आप इतना पहले निकाल के आप इसको बाद में कैसे दे सकते हैं? ये तो सरासरी दर्शाता है कि मतलब हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है और 3 लोग को बर्खास्त कर दिया है बैकडेट से अनर्गल आरोप लगाकर। हमने यह भी कहा कि हमारे ऊपर जो भी आरोप है, हमने अपने आरएम क्षेत्र प्रबंधक को भी कहा कि आपके द्वारा जो आरोप लगाया वो आरोप पत्र का कम से कम कॉपी हमें प्रोवाइड कराइए, जबकि वो हमको 15 जुलाई से वो हमको बर्खास्त कर रहे हैं, मसौढ़ी में पोस्टेड है, जबकि हम वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं 29 जून को ट्रांसफ़र होकर हम ये तक बिहटा में तकरीबन हम ये 12-13 तारीख तक, 13 को तो छुट्टी था, उतना दिन तक हम ड्यूटी किए हैं बिहटा में पैसा भी वसूले हैं, वसूल के उसका वसूली की मेरे पास कॉपी भी है और ये MD भी हमको। ये बताइए कि सरकार की भूमिका इसमें कैसे संदिग्ध है? सरकार की तो पूरी की पूरी भूमिका संदिग्ध है क्योंकि जिस टाइम हमारी ज्वाइनिंग हो रही थी, दीक्षांत समारोह हो रही थी, उस समय ये हमारे एक मदन मोहन झा आए हुए थे, माननीय मंत्री थे उस टाइम, और ये अवधेश नारायण सिंह जो ये सभापति यहाँ थे वो भी थे, और उसके बाद राणा रणधीर सिंह तकरीबन हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं वो 4 से 5 बार हमारे बैंक में आ चुके हैं, हमारे बैंक के नीचे एक रेस्टोरेंट खुला है वो भी बैंक के ही किसी के अपने लोग का ही है, उनके ओपनिंग तक में वो आए हैं, मतलब कि इसमें सरकार सब कुछ जान रही है लेकिन कर कुछ नहीं रही। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, हमको तो आज तक ये नहीं समझ में आया 2.5 साल काम करते हुए कि हम किस बैंक में काम कर रहे हैं, बहुराज्य या बिहार राज्य, क्योंकि वैकेंसी हमारी बहुराज्य निकालती है और सैलरी अकाउंट खोल के उस पर लिख देती है बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और पैसा वसूल रहे हैं हम बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के, रसीद काट रहे हैं बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। आपको ऐसा भी लगता है कि जो ऐसा भी हो सकता है कि प्रबंधन आप लोग के नाम पे पूरी सैलरी उठा रहा हो और आप लोग को आधी सैलरी मिल रही? सर अभी तक तो कुछ ये तो बता रहे हैं बैंक तो कुछ बता ही नहीं रहा ना, बैंक से ना सैलरी स्लिप देती है ना कुछ नहीं है सर, TA DA कुछ नहीं हम लोग का, ना ये जो कटती है CPF GPF वो सब कुछ नहीं है, हम लोग जैसे लगता है एक जस्ट लाइक एक बंधुआ मजदूर भी नहीं कीजिए, बंधुआ मजदूर को करने पर कुछ मिलता है लेकिन हम लोग को कुछ नहीं। हम दिखाना चाहेंगे इतने सारे लोग हैं जो यहाँ पे मतलब इस बैंक से जुड़े हुए हैं और यहाँ तेजस्वी यादव से शिकायत करने आए हैं और इनका आरोप है कि इन्हें सैलरी कम दी जा रही है, साथ में इन्हें और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिलती है, अब बैंक का कहना है कि आप वसूली करके लाओ उसमें से हम आपको पैसे देंगे नहीं तो पैसे नहीं देंगे, महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है। ये बताइए आप लोगों ने क्या CM से इसकी शिकायत नहीं की? नहीं अभी हम लोग CM से तक नहीं जा पाए, अपॉइंटमेंट नहीं मिली, लेकिन CM का जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके पास हमारा प्रतिवेदन ऑलरेडी जा चुका है सर, ये देखिए हिस्ट्री भी किए हैं और मेल भी किए हैं सर, ये देखिए जा चुका है, ये प्रतिलिपि है, ये सभी लोग के पास गई है सर। कितना दिन पहले ये 8 तारीख को गई, 8 तारीख को रात में 9 बजे हमने ये ईमेल की है और 9 तारीख को सुबह में रजिस्ट्री हुआ है सर जी। तो उनके तरफ से कुछ जवाब नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं है, जिस कारण से हम लोग को लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं बिहार सरकार की पूरी मिलीभगत है,
क्योंकि सरकार के बिना चाहे ये नहीं हुई क्योंकि आज के डेट में इस बैंक में जो है अरबों का घोटाला हो रहा है। अगर इस बैंक का बेहतरीन तरीके से सीबीआई जांच कराई जाए केंद्र सरकार या फिर बिहार सरकार के थ्रू, तो इस बैंक में आज के डेट में अरबों का घोटाला हो रहा है। अरबों का घोटाला हो चुका है, आगे भी होता रहेगा। आप ये बताइए कि आप किस आधार पे, उसकी बुनियाद क्या है जिसके आधार पे आप घोटाले की आरोप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज के डेट में सर हम लोग 2.5 साल हम लोग का हो गया है ज्वाइनिंग का। मेरी ज्वाइनिंग 3 जनवरी 2017 को हुई है और उसके बाद से मैं तकरीबन खुद मैं अपने बेस पे जो हूँ, अगर मेरा रसीद चेक किया जाए, हमको जो ब्लॉक अलॉट किया गया, जो हमको ब्रांच दिया गया, उस ब्रांच में मैं तकरीबन मैं खुद अकेला कम से कम 50 से 60 लाख का रिकवरी मैं किया हूँ। और आज के डेट में जो हम मैं जान रहा हूँ हर महीने का रिकवरी जो है पूरे बिहार से तकरीबन 60-70 लाख रुपया का हर महीना रिकवरी होता है। इसके बावजूद ना फाइनेंस कर रहे हो, ना पीएफ बांट रहे हो, ना पेमेंट दे रहे हो सही तरीके से, फिर भी आप कहते हो कि भैया पैसा ही नहीं आ रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा रिकवरी का, इसका जांच किया जाए। और एक और चीज़, आज के डेट में हमारे मुख्यालय में जितने भी आला अधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे वो CBO हो चाहे वो लेखा पदाधिकारी हो, सारे के सारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, टोटल रिटायर्ड, और सबकी सैलरी अनाप शनाप सैलरी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और आज के डेट में मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार सफेद हाथी पाले हुए? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सफेद हाथी पाले हुए। और आज के डेट में सर 5 साल हो गए हमारे जो आरएम साहब ज्वाइन किए हुए हैं, सर्विस बुक तक नहीं खुला है, 5 साल हो गया है। कोई कटौती होती है? ना ही कोई कटौती, ना पीएफ कटता है। आरएम का पेमेंट पता है 16,500 रुपया, जो रीजनल मैनेजर होता है, एक क्षेत्र का पूरा पावर होता है, ब्रांच मैनेजर 11,000 रुपया, फील्ड ऑफिसर 11,000 रुपया, जो हमारा चपरासी उसका सैलरी है 6,240 रुपया था, उसमें फिर अभी कुछ कट के आ रहा है, 191 रुपया मिल रहा है मात्र। अब सोचिए कि इतना महंगाई में, इतनी कम सैलरी में, और सर सैलरी बड़ी बात नहीं है, सैलरी बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि हमको सैलरी जो दे रहा है वो मतलब रिकवरी से टाइप किए हुए, अब रिकवरी कीजिएगा आपको सैलरी देंगे। और जिस ब्रांच में रिकवरी नहीं है, हमारे ये स्टाफ है, ये देखिए ये पूर्णिया के रिपोली ब्रांच के स्टाफ है, इनको 15 माह सैलरी नहीं मिला, 15 माह से सैलरी कैसे मिलेगा? इनके पूरे ब्रांच का डिमांड 7 लाख रुपया है, मात्र 7 लाख रुपया डिमांड है। 7 लाख में क्या कहते हैं आप? 20 महीना का करीब वेतन मेरा नहीं मिला, इधर 3 महीना का नहीं मिला। हम वसूली करके देते हैं तो कहता है कि क्षेत्र प्रबंधक का इसमें मिली भगत की वजह से वसूली हुआ है। मेहनत हम करते हैं लेकिन क्षेत्र कार्यालय का हो जाता है, मुख्यालय का हो जाता है। औरंगाबाद से हमने 1 लाख रुपये का जब चेक लाए तो बोल क्षेत्र का क्षेत्र प्रबंधक, वरीय क्षेत्र प्रबंधक सियाराम शर्मा सरम ने बोले हैं कि ये क्षेत्र कार्यालय की मिली भगत से ये वसूली हुई है, न तो हमको उसमें से अगर 50% बनता है तो 50,000 रुपया बनता है, लेकिन अभी तक 3 महीना से मुझे 1 रुपया तक नहीं दी गई है। तो ये दादागिरी कहें कि सुना आपने, लोग किस तरह बता रहे हैं कि बैंक प्रबंधन जो है इनके साथ किस तरह की दादागिरी करता है, 20 महीने 15 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिली है जबकि ये वसूली करके लाते हैं। एक चीज़ और बताइए कि बैंक जो है रिकवरी किस चीज़ का, ये लोन कब दिया गया था? ये लोन टोटल का टोटल 90 से पहले का है, 80 के दशक का है 76 मतलब इस दरमियान बीच में बिहार सरकार कितना लोन माफ़ कर दिया होगा। ये सब NPA का लोन है लेकिन फिर भी हम लोग को प्रेशराइज रिकवरी करना पड़ रहा है। ये मुख्यालय से आदेश है कि भैया रिकवरी करोगे तो दरमहा देंगे, नहीं रिकवरी करोगे झक मारो निकाल के बाहर फेंक। और हमको पता है, हम मजी मैं आज सामने हूँ, ऑनलाइन हूँ, लाइव में हूँ, मुझे पता है कि हमारे ऊपर भी मुख्यालय कहीं ना कहीं आरोप लगाएगा और मुझे भी निकासी करेगा। क्योंकि आज के डेट में तकरीबन ये मेरे पास एक लिस्ट है जो कि 14 जून को, सॉरी एक मिनट 14 मई को मुझे एक लेटर दिया गया था। प्रॉपरली पूरे बिहार में मात्र 12 स्टाफ थे जिनका रिकवरी बहुत अच्छा, ठीक है। और आखिर जब बस जैसे ही हम लोग लेटर निकाले हैं, जो भी हम दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को भेजे हैं, वो लेटर निकालने के बाद जो है हमको भी बैक डेट में, जुलाई के डेट में निकाल दिया कि भाई आपका वसूली संतोषप्रद नहीं है। अब बताइए कि जो मुख्यालय, वही आदमी, वही सिग्नेचर, वही मुख्यालय लेटर निकाल रहा है कि भाई आपका वसूली बहुत अच्छा है, आपको प्रोत्साहन राशि दे रहा है, फिर 2 माह के बाद आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपकी वसूली संतोषप्रद देगा, आपको दे दिया स्पष्टीकरण? एक चीज़ बताइए कि कहीं ना कहीं ये जो इतना आप लोग कह रहे हैं कि इतने सारे हम धन वसूल के ला रहे हैं और बैंक प्रबंधन जो कहता है पैसा नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा इसकी जो है, मैं केंद्र सरकार और बिहार राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरा उनसे बिल्कुल अनुरोध रहेगा कि इस मामले की जो है CBI जांच कराई जाए, तो खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये पैसा जा कहाँ रहा है? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला। ये बताइए कि आप लोग आज तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं, तो तेजस्वी यादव से आप क्या रिक्वेस्ट लेके आए हैं, क्या फरियाद करने आए हैं? हम लोग जैसे कि बैंक के थ्रू, बैंक के स्टाफ के थ्रू हम लोग अपना बात रखना चाहते हैं उनके सामने कि हमारे जो व्यथा है उस पर कार्रवाई करें या उस पर कुछ निर्देश दें कि क्या किया जा सकता है,
वर्तमान में जो स्थिति बैंक की है बहुत दयनीय है। हम लोग नया बहाल हुए हैं, अभी अकाउंटेंट का पोस्ट आया था, मतलब 50 सीट के लिए पोस्ट आया था। बैंक का जो चेयरमैन है वो बोलते हैं कि बैंक में पैसा नहीं है, बैंक की स्थिति दयनीय है, और 50 सीट को बढ़ा के 106 अकाउंटेंट का बहाली लिया गया है। हम लोग को 3 या 4 दिन का लगभग ट्रेनिंग हुआ था, उसमें बताया गया कि आप जो ऋण वसूलेंगे वही उसका 50% आपको सैलरी के रूप में दिया जाएगा। हमारा जब ज्वाइनिंग हुआ था तो उसमें वेतन मान लिखा हुआ था 4500 से 7000, अब वेतन मान भी नहीं दिया जा रहा है। वेतन मान के थ्रू अभी हम लोग को 10,958 रुपया एक महीने का सैलरी मिला है, अब 3 महीना होने वाला है। तो सरकार इस सरकार से हम लोग का अनुरोध है, या जिससे भी अनुरोध है कि हमारी जो दिक्कत है उस पर सुनवाई कर। आर्थिक स्थिति मुख्यालय के अनुसार जो दिया गया निर्देश कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि आपको हम सैलरी नहीं दे सकते हैं, चलो ठीक है आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। जब आर्थिक स्थिति आपकी ख़राब है तो आप हर बार बहाली क्यों ले रहे हो? साल में तीन बार बहाली, पिछले बार भी, अभी आप कुछ दिन पहले झारखंड में FO की बहाली हुई है, अनाप शनाप 75 सीट निकलता है, 25 को बहाली होती है, 75 को बहाली होती है, हम ही लोग का बहाली 100 सीट था वैकेंसी, बहाली 166 बहाली हुई है। अभी इन्हीं लोग में जो है बहाली थी 50 को लिया गया, 106 बहाली लिया गया, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या है? नहीं नहीं कि सिर्फ बैंक में स्टाफ के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, दाल कुछ इस तरह से काली है कि बैंक के भी दो नाम हैं। ये बताइए बैंक के दो नाम कौन से हैं? एक है बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और दूसरा है बहुराज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। हमारा कागजी काम होता है बिहार राज्य सहकारी के नाम से, और जो पेपर निकलता है, वाउचर निकलता है, जो भी निकला सब बहुराज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के नाम से निकलेगा। आज के डेट में जो है नेक्स्ट मंथ 11 तारीख को AG मीटिंग या फिर चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है, वो भी चुनाव सिर्फ औपचारिक है, चुनाव तो ऑलरेडी हो चुका है और वो भी पेपर में आ जाएगा कि भाई चुनाव मतलब कि कई, और ये सिर्फ चुनाव यहाँ का ही नहीं, बिहार का ही नहीं, हर एक ब्रांच के चेयरमैन और डेलीगेट का चुनाव भी औपचारिक तरीके से ही होता है। हाँ हाँ बात तो सही है, ये हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो भूमि विकास बैंक के तो चेयरमैन हैं ही, साथ ही साथ में हाउसिंग बोर्ड के भी कोऑपरेटिव के भी चेयरमैन ये रह चुके हैं। जबकि ये नियम यह नहीं कहता, जब ये नियम ने नियम कहता है कि आप जो है एक साथ में दो आधिकारिक पोस्ट पे आप नहीं रह सकते हो, लेकिन ये फिर भी इसके बावजूद भी आज भी जो है दोनों पोस्ट विद्यमान है और दोनों पे काम कर रहे हैं। तो ये थे भूमि विकास बैंक के स्टाफ, जिनका कहना है कि सरकार की नाक के नीचे एक बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है और ये एक सृजन घोटाले की तरह घोटाला होगा, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। इनका आरोप है खास करके कि ये लाखों की वसूली हर महीने लेकर आते हैं, लेकिन सरकार इन्हें इनका वेतन तक नहीं देती। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना। निष्पक्ष, स्वतंत्र और बेबाक, यही है राज नेटवर्क की पहचान। हम पहुँचते हैं सत्ता के गलियारों से लेकर खेत खलिहान तक, चौक चौराहों से गांवों की गलियों तक खबरें लाते हैं आपके सरोकार की। हम सरकार की नहीं, सरोकार की बात करते हैं, हम जन की बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके बीच बने रहें, निष्पक्षता के साथ डटे रहें, तो रेड नेटवर्क को हर संभव आर्थिक मदद कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि पैसों की वजह से हम आपकी गलियों तक नहीं पहुंच पाएं। आप अपनी क्षमता और इच्छा के मुताबिक हमारी मदद करें। जय हिंद। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस अकाउंट नंबर पे आप हमें अपनी मर्जी के मुताबिक धनराशि भेज सकते हैं। साथ ही अकाउंट से संबंधित तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, ताकि हम आप तक निष्पक्ष, स्वतंत्र और सही खबर बेबाक तरीके से पूरी स्वतंत्रता के साथ आप तक पहुंचा सके। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।